एक व्यूअर ने कमेंट बॉक्स में पूछा है कि काशी सेंटेंसेस क्या है और इस तरह के सेंटेंसेस का पैसिव क्या होगा। तो आइए फ्रेंड्स उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। आइए सबसे पहले सीखे कि काशी मींस होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि काशी का मतलब होता है लगभग या जैसा। और अगर हम बात काशी सेंटेंसेस की करें या काशी पैसिव वॉइस की करें तो सबसे पहले आपको थोड़ा एक्टिव और पैसिव वॉइस जानना होगा, क्योंकि अगर आप ये जानेंगे कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या है तभी आप ठीक तरीके से समझ पाएंगे कि काशी सेंटेंसेस क्या होते हैं। अगर बात एक्टिव वॉइस की किया जाए तो मैं आपसे कहूंगा ये एक ऐसा सेंटेंस होता है जहां आपके सेंटेंस में आया सब्जेक्ट काम करता है, यानी आपका सब्जेक्ट एक्टिव होता है, मतलब दिए गए काम को अंजाम देता है। वही अगर हम बात पैसिव वॉइस की करें तो इस तरह के सेंटेंसेज में जो आपका सब्जेक्ट होता है वो काम नहीं करता है बल्कि काम उसी के ऊपर किया जाता है। यानी पैसिव के सेंटेंसेज में जो सब्जेक्ट होता है वो इनएक्टिव होता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आया कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेज में आया हुआ सब्जेक्ट काम करता है वो एक्टिव होता है, वहीं दूसरी तरफ पैसिव के सेंटेंसेज में दिया गया सब्जेक्ट काम नहीं करता है बल्कि उसी के ऊपर काम किया जाता है। अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप इन दोनों सेंटेंस को देखें। पहला सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है जहां मैंने लिखा है ही बीट्स मी, यानी वह मुझे पीटता है। यहाँ इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट है ही और यहाँ पर सब्जेक्ट काम भी कर रहा है, यानी पीटने का काम ही कर रहा है। लेकिन अगर हम बात दूसरे सेंटेंस की करें तो यहाँ लिखा है ही इज बीटन बाय मी और इस सेंटेंस का मीनिंग है कि मेरे द्वारा उसे पिटाई किया जाता है या उसे मेरे द्वारा पीटा जाता है। तो यहाँ इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है ही लेकिन वो काम नहीं कर रहा, यानी पीटने का काम नहीं कर रहा बल्कि ये काम उसी के ऊपर हो रहा है। यहाँ पिटाई का काम उसी के ऊपर किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि अब आपको बात समझ में आया कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेज में सब्जेक्ट काम करता है वो एक्टिव होता है, जबकि पैसिव के सेंटेंसेज में आपका सब्जेक्ट काम नहीं करता बल्कि उसी के ऊपर काम कर दिया जाता है। अगर हम बात काशी सेंटेंसेज की करें तो ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जो दिखने में एक्टिव वॉइस लगते हैं लेकिन वो एक्टिव वॉइस होते नहीं है। यानी इस तरह के सेंटेंसेज लगभग एक्टिव वॉइस जैसा दिखते हैं लेकिन होते नहीं है। जैसा कि यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है और पहला एग्जाम्पल है काइट फ्लाइज हाई, यानी पतंग ऊंचा उड़ता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये सेंटेंस दिखने में एक्टिव वॉइस का लग रहा है लेकिन ये एक्टिव का सेंटेंस नहीं है, क्योंकि अगर ये एक्टिव का सेंटेंस होता तो यहाँ आपके सेंटेंस में आया सब्जेक्ट काम करता। और जैसा कि आपको पता है कि पतंग खुद नहीं उड़ सकता है, उसे उड़ाने वाला कोई और होगा। यानी अगर इस सेंटेंस को मैं एक्टिव में बोलूं तो मैं कहूंगा आई फ्लाई द काइट हाई, यानी मैं पतंग को ऊंचा उड़ाता हूं। तो ये है एक्टिव के सेंटेंसेस। हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि ये सेंटेंस पैसिव का है, तो मैं आपसे कहूंगा ये सेंटेंस पैसिव का भी नहीं है, क्योंकि पैसिव वॉइस में जो आपका वर्ब होता है वो हमेशा हमेशा के लिए थर्ड फॉर्म होता है। यानी चाहे वो कोई भी टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, अगर वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है तो उसका मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में रहता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इस सेंटेंस में लिखा है फ्लाइज और यह है एस फॉर्म, यानी ये थर्ड फॉर्म नहीं है। तो फिर ये बात साबित हुआ कि ये सेंटेंस ना तो एक्टिव वॉइस का है और ना तो पैसिव वॉइस का है, यानी इस सेंटेंस को हम काशी सेंटेंसेस कहते हैं। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और देखें, राइस सेल्स चीप हेयर, यानी यहाँ चावल सस्ता बिकता है। अब ये सेंटेंस दिखने पर एक्टिव का लग रहा है लेकिन ये एक्टिव का सेंटेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ आपका सब्जेक्ट चावल खुद काम नहीं कर रहा है, यानी बेचने का काम कोई और कर रहा होगा, चावल खुद को कैसे बेच सकता है। तो जाहिर सी बात है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट एक्टिव नहीं है, तो इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का नहीं है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का है तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कोई भी सेंटेंस अगर वो पैसिव वॉइस में है तो लाजमी है कि उसका मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में होगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ वर्ब थर्ड फॉर्म में नहीं बल्कि फिफ्थ फॉर्म में है, मैंने लिखा है सेल्स। तो ये बात साबित हुआ कि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का नहीं है और पैसिव वॉइस का भी नहीं है, हालांकि ये सेंटेंस एक्टिव और पैसिव वॉइस के जैसा दिख रहा है। इस तरह के सेंटेंसेस को हम काशी सेंटेंसेस कहते हैं। अगला एग्जांपल है इट स्मेल्स स्वीट, यानी यह मीठा महकता है। लाजमी है महकने का काम कोई और कर रहा होगा। यहाँ आपके सेंटेंस में आया सब्जेक्ट इट
खुद काम नहीं कर रहा है तो ये एक्टिव का सेंटेंस हो ही नहीं सकता। और ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का भी नहीं है क्योंकि आप देख सकते हैं आपके सेंटेंस में आया वर्ब थर्ड फॉर्म में नहीं है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ अब आप समझ रहे होंगे कि कासिव सेंटेंसेस क्या होता है। एक एग्जांपल और देखते हैं, हनी टेस्ट स्वीट यानी शहद मीठा लगता है, ये सेंटेंस एक्टिव का नहीं है क्योंकि आपके सेंटेंस में आया सब्जेक्ट जो है हनी खुद को चख नहीं सकता बल्कि कोई इंसान होगा जो चख कर बता रहा होगा कि ये शहद मीठा लगता है या इस शहद का स्वाद मीठा है। तो ये बात पक्का है कि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है ही नहीं और ये सेंटेंस पैसिव का भी नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस सेंटेंस का वर्ब थर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि ये है कासिव सेंटेंसेस। अब सवाल ये है कि कासिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करें। तो फ्रेंड्स मैं आपसे कहूंगा इस तरह के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करना बहुत आसान है। सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आप लिखेंगे इजारम अगर आपके सेंटेंस प्रेजेंट में है तो, उसके बाद आपके सेंटेंस में आया एग्जेक्टिव, जैसा कि सेंटेंस में आया स्वीट एक एग्जेक्टिव है जो हनी की तारीफ में आया हुआ है तो आप इजारम के बाद लिख देंगे वो एग्जेक्टिव। उसके बाद आप अपनी तरफ से लिखेंगे व्हेन इट इज, फिर आपके सेंटेंस में आया मेन वर्ब जो है टेस्ट उसे थर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो जैसा कि इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस होगा हनी इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड यानी शहद मीठा लगता है जब इसे टेस्ट किया जाता है। इस सेंटेंस को मैंने पैसिव में कैसे चेंज किया, सबसे पहले मैंने लिखा सब्जेक्ट, उसके बाद मैंने लिखा इज क्योंकि मेरा सेंटेंस प्रेजेंट का था, उसके बाद मैंने अपने सेंटेंस में आया एडजेक्टिव लिखा जो है स्वीट, फिर मैंने अपनी तरफ से लिखा व्हेन इट इज। याद रहे अगर आपका सेंटेंस पास्ट में तो when it is की जगह पर when it was लिखा जाएगा क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट का इसलिए मैंने लिखा when it is। फिर आपके सेंटेंस में आया मेन वर्ब थर्ड फॉर्म के शक्ल में लिखा जाएगा जो है टेस्टेड। आइए अगला एग्जांपल देखते हैं, अगर लिखा हो काइट फ्लाइज हाई यानी पतंग ऊंचा उड़ता है, अगर आप इसको पैसिव में चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लिखे सब्जेक्ट जो है काइट, फिर आप लिखेंगे इज क्योंकि आपका सेंटेंस प्रेजेंट का है, फिर आप अपने सेंटेंस के एग्जेक्टिव को लिखेंगे जो है हाई, उसके बाद आप लिखेंगे व्हेन इट इज, फिर आपके सेंटेंस में आया वर्ब थर्ड फॉर्म के रूप में लिखा जाएगा तो आपके सेंटेंस में जो वर्ब है वो है फ्लाई जिसका थर्ड फॉर्म होता है फ्लॉन। तो ये सेंटेंस पूरी तरीके से होगा काइट इज हाई व्हेन इट इज फ्लॉन। अगला एग्जांपल है द मार्बल फील्स स्मूथ यानी पत्थर मुलायम लगता है या चिकना लगता है, अगर आप इसका पैसिव करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लिखे सब्जेक्ट जो है द मार्बल, फिर आप लिखे इज क्योंकि आपका सेंटेंस प्रेजेंट का है, फिर उसके बाद आप उस एग्जेक्टिव को लिखे जो आपके सेंटेंस में आया है, उसके बाद आप लिखे व्हेन इट इज, फिर आपके सेंटेंस में आया वर्ब थर्ड फॉर्म के शक्ल में होगा, आपके सेंटेंस में जो वर्ब है वो है फील जिसका थर्ड फॉर्म होता है फेल्ट तो आप लिखेंगे व्हेन इट इज फेल्ट, यानी पूरा सेंटेंस ऐसे होगा द मार्बल इज स्मूथ व्हेन इट इज फेल्ट, राइस सोल्ड चीप यानी चावल सस्ता बिका था। अगर आप इसका पैसिव करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लिखे सब्जेक्ट जो है राइस, उसके बाद आप लिखेंगे वॉज क्योंकि आपका सेंटेंस पास्ट का है, फिर आप लिखेंगे वो एग्जेक्टिव जो आपके सेंटेंस में आया है और वो है चीप, राइस वॉज चीप। आगे आप लिखेंगे व्हेन इट वॉज, हो सकता है आप सोचे इट वॉज क्यों, क्योंकि आपका सेंटेंस पास्ट का है। मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि अगर आपके सेंटेंस पास्ट का होगा तो आप वॉज का इस्तेमाल करेंगे, अगर प्रेजेंट का होगा तो आप इज का इस्तेमाल करेंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे व्हेन इट वॉज, उसके बाद आपके सेंटेंस में आया वर्ब थर्ड फॉर्म के शक्ल में होगा तो यहाँ आपका वर्ब है सेल जो हो जाएगा सोल्ड, तो आपका पूरा सेंटेंस ऐसे होगा राइस वॉज चीप व्हेन इट वॉज सोल्ड। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं जल्द आपके क्वेश्चन पर वीडियो बनाऊंगा। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।